जैसे जैसे हम जो कि जे को स्लाइड करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पर गैल में डिफ्लेक्शन जीरो उस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस पॉइंट वाइल दैट विदिस्टेंस एक्स इज सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आर के लिए फिफ्टी एट एक्स के लिए सिक्सटी सेंटीमीटर तो जो लेंथ होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम है इसके अक्रॉस ज्यादा क्योंकि आर के लिए लेंथ कम मिल रही है एक्स के लिए ज्यादा इसका मतलब एक्स जो रजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फिर आगे एक पार्ट और गिविन है वाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिविन सेल ऑफ ई एम एफ ई सो इस क्वेश्चन में जब आर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ई e, जो ये सेल है इसमें करंट सपोज आई वन फ्लो करा रहा है और जब एक्स को सर्किट तो में कनेक्ट करेंगे तो सपोज इसमें करंट कितनी है आई टू सो वोल्टेज दोनों के सेम रहेगी ई e, लेकिन इसके अग्रोस करंट कुछ और है इसके अग्रोस करंट कुछ और होगी तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते इसमें कुछ प्रॉब्लम है जैसे आई वन आर इसके लिए आ जाएगी, इसके लिए आई टू एक्स और उसके लिए कुछ लेंथ तो आई वन से आई टू कैंसिल आउट नहीं होगा जैसे आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई बैलेंसिंग लेंथ सपोज एल वन दैट इज फिफ्टी एट पॉइंट थ्री सेंटीमीटर और अननोन रेजिस्टेंस एक्स के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल टू सेंटीमीटर आर जो है रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू तो हमें पता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रोस वही रेजिस्टेंस के अक्रोस जो भी आर या एक्स है तो इसके लिए अगर करंट आई वन है तो आई वन आर एल वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टू एक्स एल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड करने से आई वन और आई टू एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो सोल्व नहीं होगा तो इसमें एक एजें्सन कंसिडर करते हैं जो इसने सेकेंड पार्ट में कहा भी है जो ये सेल है इसका रेजिस्टेंस हमें आर और एक्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लेना है तो जिससे इन दोनों में करंट लगभग सेम फ्लो करे लगभग सेम मतलब जो ये सेल है ये हाई इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल है वाट might यू डू इफ यू fail टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द given सेल ऑफ ई एम एफ ई अगर इस सेल की वजह से बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा तो हम क्या मोडिफिकेशन करेंगे इस सर्किट में जिससे बैलेंस पॉइंट मिल जाए तो उसका आंसर भी यही है कि ये सेल हाई रजिस्टेंस का होना चाहिए जिससे इनके अग्रोस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो बैलेंस पॉइंट कहीं मिल जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा नहीं सपोज ए बी के एक्रोस वोल्टेज है दस और इनके अग्रोस वोल्टेज है इलेवन तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि तो टोटल तो दस वोल्ट ही है पोटेंशियल डिफरेंस तो इन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम करना पड़ेगा और कम कब होगा जब करंट कम हो और करंट कम कब होगी जब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा ले लेंगे तो ये सेल कैसा लेना हमें ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस सेल ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो अगर किसी एक लूप को ले हम सपोज मैं आर ले लेता हूँ तो आर में करंट कितनी ई अपोन आर प्लस आर ये इंटरनल रजिस्टेंस है इसका आर सो so अगर बहुत ज़्यादा है आर इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर तो करंट कितनी लगभग ई अपोन आर इस वजह से चाहे आर हो चाहे एक्स हो तो करंट दोनों के केस में सेम हो जाएगी इसी एजम्सन को यहाँ पर यूज़ करना है सो इफ so, Internal resistance of cell E is very large, then current flowing in R and X will be nearly. आर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर और एक्स अक्रॉस आई एक्स मतलब ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एलवन अपॉन एल टू वाला कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ वाली कंसेप्ट यूज कर रहे हैं सो एल वन अपॉन एल टू सो यहाँ से आर तो है टेन आई से आई कैंसिल आर इज इक्वल टू टेन एक्स वी हैव टू फाइंड L1 फिफ्टी एट पॉइंट थ्री एंड एल टू इज सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सो एक्स किसकेगांट फाइव इन टेन अपोन फिफ्टी एट पॉइंट थ्री और इसकी वैल्यू नियरली आएगी इलेवन टेन से ज़्यादा आएगी इलेवन पॉइंट सेवन फोर नाइन ओम के आसपास पास आएगी माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिविन सर्किट डाइग्राम गिविन सेल ऑफ ई एम एफ ई तो इसके लिए हमें क्या लिखना है कि जो सेल ई e है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें वी फेल फाइंड ए बैलेंस पॉइंट देन अब इंटरनल रजिस्टेंस है तो इसका बहुत ज्यादा लो या फिर इसके सीरीज में एक वेरी लार्ज रजिस्टेंस कनेक्ट कर दोन ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द